Bye. Couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के उम्मीद है कि अच्छे हो जाएंगे. समय हुआ है 10, अभी मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है. आज मैंने कोई खास काम नहीं किया, ज़्यादा खास काम नहीं किया, सिर्फ रोटी खिलाई और खाई. एंड एक्चुअली मैं आज रूम को क्लीन करना चाहती थी. जब मैं इंस्टाग्राम पर मैं रेगुलरली स्टोरीज अपलोड करती रहती हूँ, पीछे बड़ा शोर सुनने का नॉर्मल है ये, क्योंकि हमारे वहाँ पे बहुत साइलेंट एंड पीस रहता है ना. तो जब मैं ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर करती रहती हूँ, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया ना तो कर ले, क्योंकि जब मैं वहाँ पे शेयर करती थी ना, मुझे लगता है मैंने व्लॉग में भी शूट कर लिया, पर मैंने फिर बाद में चीज़ें भूल जाती हैं कि मैंने क्या शेयर किया है क्या नहीं. सो मैं तैयार हूँ. मैं सोच रही थी कि मैं मेरे नेल्स के लिए जाऊँगी बाहर कहीं पर. मैंने एक प्लेस भी ढूंढा था और हस्बैंड ने कहा कि वो मुझे लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये हस्बैंड का शहर है. एंड मैं जा नहीं सकती हूँ अकेले, लाइक कि कैसे जाऊँ रिक्शे पे, मुझे समझ में नहीं आता है, ना ही मेरा कोई साथी है यहाँ पे. तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी इंडिया में रहने की, क्योंकि मुझे किसी की मदद चाहिए लेके जाने के लिए. अर्लियर मेरी सिस्टर इन लॉ थी जिससे बहुत मदद होती थी, तो हम दोनों बहुत मस्ती करते थे, शॉपिंग करते थे, खाते पीते थे. इस सिचुएशन में मैं घर में स्टक रहती हूँ, क्योंकि बाहर मैं जा नहीं सकती हूँ खुद से. एंड जो अब मेरी देवरानी है वो जॉब करती है, वो आएगी 5:30 अराउंड, एंड फिर वो अपनी चीज़ों में व्यस्त हो जाएगी, उसे अपने बच्चों की टेक केयर करनी होती है. तो उसे मैं कहती हूँ मुझे चल लेके चलो, 5:30 अंधेरा हो जाता है, अंधेरे पे इतने फ़ोन आते हैं घर से कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ. सो सारा दिन मैं वेले बैठती रहती हूँ, और इतने सारे दिन हो गए हैं हमें यहाँ पे आए और मैंने कुछ भी किया नहीं है. मुझे अपने लिए इंडियन आउटफिट्स ख़रीदने हैं, छोटे मोटे, जो कि मैं लंबा समय तक पहन पाऊँ, क्योंकि जब आप खुद जाके ख़रीदते हैं टच करके तो ज़्यादा मज़ा आता है, राइट? बशर्ते अदरवाइज़ कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करो. मुझे खुद से शॉप करना ज़्यादा अच्छा लगता है, वो मैं करना चाहती हूँ. चिकनकारी के कुर्ते लेना चाहती हूँ, आउटफिट बनाना चाहती हूँ, कोई ब्लाउज सिलाना चाहती हूँ, कोई साड़ी लेना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करना चाहती हूँ मैं. एंड कोई है नहीं, पति है, वो बेचारा बिजी रहता है, एक दो काम करते हैं वो दिन में. एक तो एक बार बाहर चले जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, बहुत लेट आते हैं और लेके नहीं जाते. दूसरा वो जिम जाते हैं, वो रेगुलरली कर रहे हैं, बाकी मेरी चीज़ों के लिए काफ़ी टल रहे हैं. सब मैं तैयार हूँ, पर वो गाड़ी को क्लीन करने के लिए एंड सर्विस करवाने के लिए चले गए अपने भाई के साथ. 4-5 घंटे हो गए और मुझे पता नहीं अब कब आएंगे. उसके बाद उनको एक और काम करना है एंड दिन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है. सो मेरे नेल्स वाला काम मिलना आज ही नहीं होगा, कल होगा. सो ये आलतू फालतू इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं. गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए ना, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत प्यारी वीडियोज़ बनाते हो. क्योंकि प्यारा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, उम्दा किस्म का इंसान हूँ मैं. मेरी वीडियो को सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सिखाती भी हूँ. एवं रैंडम चटर पटर ही नहीं करती हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत गुणकारी हूँ. सो सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. एक तो मैं नेल्स कराना चाहती थी, एक मैं अपने लिए कुछ इंडियन चीज़ें खरीदना चाहती थी, क्योंकि हम जाने वाले हैं साउथ में थोड़ा ट्रैवल करने के लिए. और मैं चाहती हूँ कि मैं कुर्ते पहनूँ, क्योंकि वहाँ पे एक तो गर्मी होगी, एक मैं इंडियन आउटफिट पहनना अच्छा लगता है मुझे, मेरे पास है नहीं. सो फार मैंने 2 सूट खरीदे हैं, उनमें से एक आपने देखा ना मेरी मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज में या रील्स में, जो पाकिस्तानी स्टाइल का है. बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि वो मैंने कहाँ से ख़रीदा. मुझे नहीं पता है, कोई खास दुकान से या ऑनलाइन नहीं ख़रीदा मैंने, ऐसे रैंडम हम वॉक कर रहे थे, वहाँ पे एक स्टोर में चले गए, वहाँ से मिल गया. वो आजकल मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कॉमन है. सो आपको कहना है कि पाकिस्तानी स्टाइल का सूट चाहिए आपको, सो मिल जाएगा आपको आराम से, हड्डी वड्डी को गाल नहीं. और जैसे वो था रेडी टू वेयर, वैसे ही पहन लिया मैंने. आपको पता है मैं चिंता नहीं करती हूँ कि पूरा फिट हो, टाइट हो, काफ़ी लूज है मुझ पर. वो कह रहे थे कि स्टिच कर देते, मैंने कहा कि मुझे ऐसा ही स्टाइल अच्छा लगता है, आप रहने दो, मैं ऐसे पहन लूँगी. एंड बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले मुझे उस दिन, एंड आप लोगों को भी बहुत पसंद आया, थैंक यू वेरी मच. सो एक दो जो और सूट लिए हैं वो मैंने स्टिच देने के लिए भी जाया नहीं जा रहा था, पर कल मैं और मेरी मदर इन लॉ दोनों गए, लाइनिंग ला के स्टिच करने के लिए दिया है, ताकि जब मैं पहनने के लिए मेरे पास कुछ हो. आपको पता है कि मैंने 10-12 साल से कभी कोई सूट ख़रीदा नहीं है. लाइक एक कदा ख़रीदा है, वो खुद ही सिल लिया मैंने. अब मैं सोचा कि वेट की इतनी मेरे पास लिमिट थी, तो वही सूट यहाँ से लेके आऊँ, यहाँ पे पहनूँ, इससे अच्छा है कि यहाँ से खुद से नए ले लूँ, ताकि पहन भी लूँ और साथ भी ले जाऊँ. सो इसलिए मैं कोई भी सूट लेके नहीं आई हूँ. ऐसे मेरे पास इतना कोई लाने के काबिल था भी नहीं. सो 2 हुए हैं, 3-4 और मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मुझे अलमारी भरना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देख देख के हम लोग बोर हो जाते हैं, राइट? बाकी मैं बहुत गुणकारी हूँ, जैसे मैंने बताया, मैं स्टिच भी कर लेती हूँ अगर मुझे अच्छा फैब्रिक मिलता है वहाँ पे.
सो मैं अपने आप स्टाइल एंड डिज़ाइन कर लेती हूँ, पर स्टिल जब आप बाजार में जाएँ ऐसे लटकते सूटों पर लल जा जाता है ना बंदा। और मैं हिम्मत के लिए कुर्ते लेना चाहती हूँ, कुर्ता पजामा पंजाबी स्टाइल से लाना भी चाहती हूँ, पति के लिए भी ये भी काम करना है मुझे। और लास्ट टाइम ना मैं बेडशीट्स लेके गई थी यहाँ से, बहुत अच्छा कॉटन था एक स्पेशल दुकान से, वहाँ पे जाना चाहती हूँ मैं, 2-3 बेडशीट्स लेना चाहती हूँ, चिट्टी चिट्टी सफ़ेद, एंड उसी का मैं रजाई का कवर भी बनाऊँगी ताकि मेरा पूरा सेट बन जाए। 2-3 सेट वो मुझे बनवाने हैं, वो भी काम पड़ा है मेरा अभी। एट दी मिला ना मेरा टाइम खत्म हो जाना, और एंड वाले दिन फिर इतना रन करना पड़ता ना कि ये कर लो ये कर लो ये कर लो, कुछ भी नहीं होता है। सो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि टाइम रहते मुझे कर लेना चाहिए। मेकअप का एरिया बनाना चाहती थी मैं, अगर मैंने स्टोरीज में आपके साथ शेयर किया ना, क्योंकि यहाँ बेड की साइड में है, क्योंकि ये रूम काफ़ी ज़्यादा छोटा है अनफॉर्चुनेटली, और हम तीन बंदे हैं, तीन बंदों का सामान है, काफ़ी मैस है गाइस, मेरा कुछ भी अरेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जो अलमारी है वो भी काफ़ी छोटी है तीन बंदों के लिए। सो मैंने अपना सामान अपने लगेज में रखा हुआ है, उसी से लेती रहती हूँ मैं। पर मैं मेकअप का सोच रही थी ये खिड़की के पास आप बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि खिड़की रोशनी आती है, एंड फिर हस्बैंड कहते हैं मुझे सोना है सारा उठाओ, सुबह रखती हूँ फिर उठाती हूँ, तो परमानेंट स्टेशन बनाना चाहती थी यहाँ पे। पर यहाँ पे बैठने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि सिंपल सा प्लास्टिक का एक टेबल लेके आऊँ बाज़ार से, आज मैंने लाना आज बाज़ार जाया जाएगा, इतनी एक एक दिन ऐसे ख़त्म हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो गई है। सो या एनीवेज वी आर इन्जॉइंग एंड सो फार दिस इज़ व्हाट गोइंग ऑन राइट नाउ। आई मैं चाह पी के आई हूँ डाउन स्टेयर से। चलो मैं आपको कुछ दर्शन कराती हूँ अल्प फल्त चीज़ों के, लेट्स गो। मैं जो नेल्स वाले सैलून में जाना चाहती हूँ ना, मैं उस लेडी को मैं सोच रही हूँ कॉल करके पूछ लेती हूँ कि अपॉइंटमेंट की अपॉइंटमेंट की जरूरत तो नहीं पड़ती होगी उनके वहाँ पे। हेलो, अच्छा तो अपॉइंटमेंट दे दोगे कल दी फिर, हैगी थोड़े को अवेलेबल मॉर्निंग च किन्ने बजे? ओके 11, बहुत ज़्यादा जल्दी है, 12:30 हैगा थोड़े को टाइम? 1 बजे? चलो ठीक है, ओके तो उधर नेड़ी है, ओके तो दोबारा बोलोगे कि स्कूल में क्लियरली सुन नहीं पा रही। सो मैंने उनको कॉल कर लिया, मुझे इतना ज़्यादा इनके शहर के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रही नहीं हूँ शादी के बाद, मेरे 10 दिन रहे होंगे, 10-20 दिन बाहर गए नहीं, उसके बाद भी जब भी आए हैं लाइक 20 डेज 4-5 बार बाहर जाती हूँ मैं, इतना नॉलेज नहीं मुझे। सो अपॉइंटमेंट ले लिया मैंने कल की, वो कह रही कि अपॉइंटमेंट ले, वो गर्ल ने कहा कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, क्योंकि वो फिर ना ऐसे कोई वॉक इन आ जाए तो होता नहीं है। सो कल की अपॉइंटमेंट कर लिया मैंने 1 बजे। शकरकंदी बेचने वाला बंदा आ गया है, ओके दोस्तों बाद में मिल दूँ शकरकंदी खाने के बाद, नहीं खाने नहीं वाली वैसे मैं मजाक कर लूँ। ओके सो मेरी सिस्टर इन लॉ वापस आ चुकी हैं उनकी जॉब से, तो हम लोग जा रहे हैं बाजार और फल दुकान खाने के लिए। कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की, अगर नहीं बनेगी तो फ़ोन पर बनाऊँगी। केड़ी आंटी ने हाँ उन्हें कितने दिते थानू? कोठे तो कोठे, कोठे तो कोठे, ना तू कहीं तो तेरे उम्मीद खा ली दे यार। ओके गाइस, तो मेरी मम्मी गई थी ऊपर कोठे कपड़े लेने के लिए, और गवांडियों के अमरूद का लफाफा भी लेके आई है, कोठे टू कोठे चेंज हो गए थे। ओके बाय, तू ही खा लो, लोग कहने मम्मी देखनी है, मम्मी आ गया अमरूद लेके। गाइस लुक एट द साइज, कितने बड़े हैं ये अमरूद है, स्वाद है ये वाइट वाले, पर हमारे घर के उससे भी ज़्यादा स्वाद है, वो लाल है एंड बहुत सॉफ्ट स्वीट। एक खाओ और पेट को साफ कर लो। ओके दोस्तों, तो व्लॉग आज अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी, और ये लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं सोने के लिए। मैं मेरे व्लॉग लिए कुछ कहना चाहोगे? नो बस अपना छोटा रूम कितना लगन गया? मेरा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा रूम है। मैं दिखाते था पहला चूठा गाइस, देखा ये है बंदा चूठा नंबर। लुक हाउ स्मॉल दिस रूम इज। अब मेरा होता सी सपनों का रूम। ओके दोस्तों, तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे इंडिया आना पसंद क्यों नहीं है, क्योंकि बाहर मुझे कोई भी लेके नहीं जाता, यहाँ पे मैं स्टक हो जाती हूँ। ये है वो बंदा जिसकी मिनते करना पड़ता है, जिसने मुझे चैलेंज किया है, इसने मुझे चैलेंज किया कि ना जा रिक्शे तक करके वहाँ, तो मैं जा रही हूँ ई रिक्शा पे। तो
गाइस कह रहा है कि अपने आप चले जाए जितने मर्जी दुकान लभ ला, मुझे इनके शहर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, अब मैं जा रही हूँ देखूंगी कि कहाँ से मैं चीज़ें ढूंढ सकती हूँ, मुझे बहुत ही बेसिक चीज़ें चाहिए। सो हार्ड उत मैं अपनी गड्डी चका जिधर मर्जी चल जा ऐसे। ओके सो फाइनली पत्ती मुझे लेके आए हैं बाजार में मुश्किल के साथ, और अपनी चीजें पसंद कर रहे हैं। मैं नाई को गया ही ओदे गंदा ही 150 दी मिल जानी नो उन्होंने एक तन खोल क्या ना तेरे को ब्रूनी क्या ना नहीं और भी कंपनी का नाम है और किन्हीं कॉपियां भी कॉपियां भी लोगे टैलेंट रिपीट नहीं होगा फिर जाम लग जाने मित्र ये दुनिया दरी बड़ी गंदी चीज है वो कहते नहीं होंगे जे बराबरी ना हो सके तो बदनामी हो ही गई सो हमारा बंदा तैयारी कर रहा है कोयम्बटूर जाने के लिए सिंपल कुर्ते आदि योगी के दर्शन करने के लिए। चट्टा भी देख रहा है समर वाला ने समान लुको के रख के दिता ना कहने की साढ़े कोए तो बहुत गा पिया संभाल लिया समान। काफ़ी मुशक्कत की शॉपिंग के बाद हमारा समय आता है समोसे खाने का, हमारी फेवरेट दुकान से पट्टी तो पट्टी को एक कुर्ता पजामा ले दिया मैंने जबरदस्ती, तो लेना नहीं चाहता ये बंदा बड़ा ख़राब है। और अंकल जी क्या हाल चाल जी मैं पहचान लिया ओके दोस्तों तो इसी तरह हमारा ये कल वाला दिन काफ़ी सक्सेस हुआ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं लेके आ पाई और अब मैं वीडियो को एडिट कर रही हूँ एंड मैंने एंडिंग नहीं की क्योंकि एंडिंग में भूल जाती हूँ वीडियो को एंड करना। सो इसी तरह ये व्लॉग पूरा हो। सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपको मिलती हूँ कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड अपने व्यूज़ ज़रूर से देना कमेंट बार में, मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कल मिलती हूँ, अपना ख्याल रखें एंड बिल्कुल मत भूलें दोस्तों यू गाइस beautiful the way you are, stay happy, confident and strong. You guys can do anything you want, just think about it and take action. Easy peasy lemon squeezy. Bye lalu.